फ्रेंड्स, आज हम आलू पालक बनाएंगे। ये खाने में काफी टेस्टी लगता है और आजकल पालक का सीजन भी है, तो चलिए बनाते हैं आलू पालक। ये मैंने कढ़ाई दी है, कढ़ाई के नीचे मैं गैस ऑन करूंगी। अब मैं इसके अंदर लगभग 2 करछी के करीब इसमें मैं ऑयल डाल दूंगी। मैंने इसके लिए जो आलू लिए हैं फ्रेंड्स, 2 आलू लिए मीडियम साइज के, उसको मैंने छील लिया और फिर मैंने उसको इस तरह से टुकड़ों में काट लिया, आप देख सकते हैं। और ये 400 ग्राम मैंने पालक लिए। पालक को पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, उसके डंठल निकाल लिए थे और फिर मैंने उसको इस तरह से चॉप कर लिया। और अब ये वजन में लगभग 400 ग्राम है। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। आलू को मैंने छील कर पानी में रख दिया था, नहीं तो आलू जो है काला हो जाता है। अब मैं इसमें से आलू को निकालूंगी और इस तरह से इसका हल्का से इस तरह से करके इसका हम पानी निकाल लेंगे। और फ्लेम को मैं लो कर दूंगी और अब हम इसमें आलू डालेंगे। आलू को हम 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़े से गोल्डन और क्रंची से हो जाए। लगभग 4 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं आलू हमारे हल्के हल्के गोल्डन कलर के हो गए। तो अब मैं आलूओं को प्लेट पे निकाल लूंगी। अब हम इन आलूओं को साइड में रख देंगे। अब ऑयल हमारा गर्म है, मैं इसके अंदर 1 चम्मच जीरा डालूंगी। जीरे को हम भूनने देंगे। जीरा हमारा भुन गया फ्रेंड्स। ये मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए, अब इनको मैं इसके अंदर डालूंगी और प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। फ्रेंड्स, जब तक प्याज हमारे भुनते हैं मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या क्या लिए। मैंने 2 हरी मिर्च लिए, उसको बारीक चॉप कर लिए। 5-6 लहसुन की कलियाँ ली थी, उनको बारीक चॉप कर लिए। और 2 मैंने मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, उनको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिए। अब मैं इसके अंदर लहसुन भी डाल दूंगी और हरी मिर्च भी डाल दूंगी। हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना। फ्रेंड्स, मैं जैसे इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ, आप चाहें तो इस सब्जी को घी में भी बना सकते हैं, पर सरसों के तेल में इसका स्वाद काफ़ी अच्छा आता है, इसलिए मैं इसको सरसों के तेल में बना रही हूँ। अगर आपको घी अच्छा लगता तो आप घी में बना लीजिए। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए, अब हम इसके अंदर सूखे मसाले डालेंगे। मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून जो है हल्दी डालूंगी। 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर देगी मिर्च डालूंगी और लगभग 1/2 टीस्पून के करीब ही मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर धनिया का पाउडर डालूंगी भरकर, और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर को हम 1 से 2 मिनट तक बस हल्का सा जो है मैशी होने देंगे, उसके बाद हम इसके अंदर आलू और पालक ऐड करेंगे। ये सब्जी बनाना काफ़ी आसान है और खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं टमाटर हमारे हल्के हल्के सौगे से हो गए। तो अब मैं इसके अंदर आलू ऐड कर दूंगी और साथ में हम इसमें पालक भी ऐड कर देंगे। फ्लेम को हम हल्का सा भी लो कर देंगे। अब हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अभी लग रहा होगा कि पालक बहुत सारी है, लेकिन ये 3-4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि पालक काफ़ी कम हो जाएगा। अब हम इसे ढककर कुक करेंगे। फ्रेंड्स, मैं इसे ढक दूंगी और लगभग 3 से 4 मिनट के बाद मैं इसे फिर से खोलकर इसको चला लेंगे हम। लगभग 4 मिनट हो चुके हैं, हम अपनी सब्जी को मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं पालक कितना कम हो गया। अब हम इसे फिर से ढककर कुक करेंगे और हमने इसको तब तक कुक करना है, सॉरी, जब तक कि आलू जो है पूरी तरह से गल नहीं जाते हैं और पालक भी उसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती। अब मैं इसे फिर से ढक दूंगी और फ्लेम को हम लो टू मीडियम के बीच में ही रखेंगे और लगभग 5 मिनट के बाद हम फिर से चेक करेंगे। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, हम सब्जी को हिला लेंगे। आलू हमारे मैंने चेक किए हैं लगभग गल चुके हैं, तो अब हम फ्लेम को हाई रखेंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक तब तक कुक करेंगे जब तक कि इसका पानी नहीं सूख जाता। इसको हम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे।
लगभग 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सब्जी ने जो है ऑयल सेपरेट करना शुरू कर दिए। सब्जी हमारी बन रही है। अब मैं इसको 1 मिनट के लिए ढक दूंगी और फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और फिर हम इसे सर्व करेंगे। आलू और पालक की गर्मा गर्म सब्जी रेडी है सर्व करने के लिए। आप देख सकते हैं देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है। आप इसे रोटी के साथ या परांठे के साथ जिसके साथ मर्जी एंजॉय कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।